तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। दोस्तों, अब चैनल का नाम बदल के बचत खाता हो गया, लेकिन आपको सभी जानकारी, एटीएम, बैंकिंग, नॉलेज, सब कुछ आपको वैसे ही जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, मैंने ये वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए कि होंगे कि अब एक नई एनपीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार एक नई सूचना और एक नई जानकारी है जो आपको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले वर्षों से 5 वर्षों से मैं यहाँ पे अपना एपीएस का संचालन कर रहा हूँ और दिन पर दिन नई अपडेट, नई सुविधाएं और नई कमियों के साथ मैं आगे बढ़ते हुए 5 साल का ये सफर पूरा कर चुका हूँ। अभी मैं नए साल में एंट्री किया हूँ और यहाँ पे पिछले 7 से 10 दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कि अभी हमने समझ नहीं पा रहे हैं लोग, और अधिकतर एपीएसआई जो संचालक जो हैं अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि सब प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। तो अगर आप समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपने पेवर पोर्टल के कस्टमर केयर से या फिर जिस भी पोर्टल से आप संचालक कर रहे हैं उसके कस्टमर केयर से आप उनकी जानकारी लेते रहें, ताकि जो नई जानकारी है, नए अपडेट है, आपको समझ में आ पाए। नहीं तो आप एपीएस की बिजनेस जो आपका है पूरी तरह ठप हो जाएगा। जब तक आप समझ पाएंगे तब तक आपके बहुत सारे कस्टमर हैं आपके यहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफर होने लगेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक नई सूचना जो आपको सामने निकल के आई है, जो मैं अभी आपको अपने डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ। दोस्तों, मैं देख सकते हैं मैं अभी इसी शॉप पे बैठा हुआ हूँ, जहाँ से मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एपीएस और आईरिस के माध्यम से करता हूँ। यहाँ पे आप आईरिस दे सकते हैं और यहाँ पे मार्को है। अब मैं अभी आपको अपने डेस्कटॉप के मतलब डेस्कटॉप व्यू पे लेकर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इस समय एपीएस में क्या नई समस्या आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मेरा पेवर्ड की आईडी है, जिस पर मैं जितनी बार भी क्लिक करूँगा और मैं ट्रांजेक्शन करना जा रहा हूँ तो वहाँ पे 12 बजे से मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एनपीसीआई विनियमों के अनुसार प्रत्येक नगद निकासी के लेन देन से पहले अपनी पहचान सत्यापित करना अनिवार्य है। इस समस्या का सामना अब करना पड़ रहा है सभी को। पहले आपको पता होगा कि दिन भर में हम ट्रांजेक्शन करने के लिए दिन भर में एक बार आपको बायोमेट्रिक का सुचारू रूप से मतलब अपना बायोमेट्रिक लगाने की जरूरत पड़ चुकी थी, और ये नियम जल्दी एनपीसीआई ने लागू कर दिया था। लेकिन पूरे दिन में 2 बार ही ऑथेंटिकेशन करना था कि हाँ मैं अपने ब्रांच पे या फिर अपने सीएसपी शाखा पर उपलब्ध हूँ, उसके बाद ही आप दिन भर में कस्टमर का ट्रांसफर कर पा रहे थे। लेकिन एनपीसीआई की दूसरी सुविधा जो है, उस सुविधा कहें लेकिन कस्टमर के लिए सुविधा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए दुविधा और समस्या भी है। लेकिन क्या करें, बिजनेस करना है तो आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो इस नियम के तहत अगर आप अब किसी भी कस्टमर का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अब हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको कस्टमर से पहले यानी अगली ट्रांजेक्शन के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर कस्टमर का ले पाएंगे, ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। यानी कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका बायोमेट्रिक मैच करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि इतनी सुविधा सिक्योरिटी है, लेकिन हम लोग को थोड़ा इससे अच्छा खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। खास करके उस दौर पर ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है जब आपका कस्टमर से आपने पैसा निकालने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल दीजिए, और उनको पता नहीं कि उनके खाते में कितना पैसा, और जैसे आपने विड्रॉल किया वहाँ पे इनफिशियंट बैलेंस करके पॉपअप शो कर दिया। अब क्या है कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको फिर से करने के पहले आपको अकाउंट चेक करना पड़ता है। तो फिर से मैं जब अकाउंट चेक करने जा रहा हूँ, फिर से फिंगर लगाऊंगा, फिर से कस्टमर अंगूठा लगाऊंगा, फिर से उसके बाद जो अकाउंट चेक करूंगा कन्फर्म हो जाएगा कि नहीं इनकी 5,000 नहीं इनकी 4,500 है, तो फिर से तीसरी बार मैं लगाऊंगा, तीसरी बार मैच नहीं किया तो मैं चौथी बार लगाऊंगा। यानी कि इतने दौरान यानी एक कस्टमर के ट्रांसफर करने के दौरान आपको लगभग 4 से 5 बार अपना फिंगर देना पड़ जाएगा। इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि पूरे दिन में अगर आपने 25 कस्टमर का ट्रांसफर कर दिया तो अगर डायरेक्ट एक ही, और ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही चांस में फिंगर पकड़ ले, तो और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि जब आपका यही एपीएस का काम अगर ठंडी के दिन में आ जाता है, जिसमें कस्टमर अपना ध्यान नहीं देते हैं और अपने उंगलियों का या फिर फिंगर का ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे तैसे भी वो कस्टमर अपना पैसा निकालने के लिए आपके शाखा या सीएसपी पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि उंगली काम नहीं कर रही है, तो इस अवस्था में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आप अपने सीएसपी का संचालन कैसे कर रहे हैं और इस ठंडी के मौसम में ये डबल डबल फिंगरप्रिंट लगाने वाला या फिर दिन भर फिंगरप्रिंट लगाने वाली सुविधा का आप कैसा लाभ उठा रहे हैं, आप कमेंट कर जरूर बताइए। ये सुविधा आपको कैसी लग रही है, अगर आप बुरे भी लग रही है तभी भी करना है, क्योंकि बिजनेस है या फिर बिजनेस चेंज करना पड़ेगा या फिर इसी काम को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी जानकारी को लेकर और मैं इस वीडियो को मैं बनाया हूँ, और आप देख सकते हैं मैं अपने शाखा में बैठा हुआ हूँ, और चीज़ें जो भी आप पीछे देख रहे हैं सारी चीज़ें रियल हैं। ये मेरा स्टूडियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ बहुत सारे काम किए जाते हैं, फ्रेम वगैरह बनाए जाते हैं। और अभी मैं ट्रांसफर कर रहा था, उसके बाद वहाँ शूट किया, तो मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया। दोस्तों, आपको किसी भी किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इन नियमों के बाद, आप कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। और अगर आप किसी और समस्या से जूझ रहे हैं जिसका आपको हल नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।